क्या सहारनपुर के बहाने अपनी खोई जमीन तलाश रही हैं मायावती? जो मायावती सिर्फ चुनावों के समय ही पब्लिक के बीच दिखती थीं, जो मायावती भीड़ से दूर दूर रहना पसंद करती थीं, आखिर वो मायावती अब सहारनपुर में कैंप करने क्यों गई हैं? सालों बाद मायावती का अपने पुराने ढंग में वापस लौटने की वजह क्या है? क्या सहारनपुर से मायावती अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन को संभालने की कोशिश कर रही हैं? पूरी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। पिछले कुछ दिनों में सहारनपुर में चौथी बार हिंसा भड़की है। कई घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें भी सामने आई हैं। सहारनपुर में सुखबुगा रहे दलित आंदोलन की आंच दिल्ली तक पहुंच रही है। ऐसे में मायावती भला दूर कैसे रहती? यूपी के दलित वोट ही तो माया की असली ताकत है। हालांकि विधानसभा चुनाव में मायावती की मिली करारी हार उनके लिए एक आईना तो थी, साथ ही साथ इस बात के सख्त संकेत भी उन्हें मिले थे कि वो अपनी राजनीतिक जमीन खो रही हैं। मायावती को शायद इस बात का पूरा इल्म हो चुका था कि अगर यही हाल रहा तो उनका राजनीतिक भविष्य पूरी तरह चौपट होने के कगार पर है। लिहाजा सहारनपुर का मुद्दा माया किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं थी। जब सहारनपुर सुलग रहा था उस वक्त मायावती दिल्ली में थी। शुरुआत में ऐसा लगा कि मसला कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और स्थानीय संघर्ष से नए नेता निकलने लगे तो माया के लिए ये किसी खतरे के अलार्म की तरह बजा। खैर, इससे पहले कि ज्यादा नुकसान होता, माया दिल्ली से सहारनपुर के लिए रवाना हो गई। माया को उनके फौरी एक्शन का अच्छा नतीजा भी मिला है। कई जगहों पर मायावती का जोरदार तरीके से स्वागत होने की खबर है। हालांकि राजनीति के हर मूव को सियासी चश्मे से देखने वालों ने मायावती के इस दौरे के सियासी मायने भी निकालने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अब माया का फुल फोकस 2019 के लोकसभा चुनावों पर है और इस बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती। लिहाजा वक्त रहते माया फिर से एक्शन में लौट आई है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।